botany optional paper 1 and paper 2. So from today onwards we will start the paper 1. आज से हम पेपर 1 करेंगे और पेपर 1 में भी हमारे जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज योर हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर वेल माई सेल्फ निशा सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस बॉटनी ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द पेपर 1. आज से हम पेपर 1 करेंगे और पेपर 1 में भी हमारे जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज योर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और जो हमारा फर्स्ट यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वायरसेस. आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे और जो वायरसेस के बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी कि वायरसेस की इंट्रोडक्शन की एग्जैक्टली वायरसेस होते क्या हैं, वायरसेस को किसने डिस्कवर किया, एज वेल एज दी कि उनका जो सैलिएंट फीचर है वायरसेस का उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. वायरल टैक्सोनॉमी की वायरल जो वायरसेस है उसको हमने कैसे स्पीशीज ऑर्डर फैमिली उनका नाम दिया गया और वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. जब हमारा डीएनए और आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलो आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम दी स्टार्टिंग दैट इज दी इंट्रोडक्शन. सो वायरसेस क्या है? एक वायरसेस बहुत ही स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, आप उनको नेक डाई से नहीं देख सकते हैं. एज वेल एज दे आर सब सेलुलर मीन्स दे काउज इन्फेक्शन इन साइड दी होस्ट. अब ये है वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग. सो बेटा वायरसेस जो है वो है क्या है, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है. दे आर दी ए सेलुलर. हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर ए सेलुलर. एंड ये जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. ऑब्लिगेट का क्या मतलब है, दैट इज दी कि ये जो है कंपल्सिव मीन्स इनको इन्फेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, होस्ट रिक्वायर्ड है. विदाउट होस्ट दे कैन नॉट डू एनी इन्फेक्शन. एज वेल एज कि ये जो रेप्लिकेट करेंगे ये कभी भी आउटसाइड दी होस्ट रेप्लिकेट नहीं कर सकते. ये हमेशा जो रेप्लिकेट करेंगे वो इनसाइड दी होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट करेंगे. और जो हमारे वायरसेस हैं दे कैन इन्फेक्ट दी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल दे कैन इन्फेक्ट दी एनिमल्स, जो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करेगा, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करेगा, एज वेल एज दी बैक्टीरिया को भी और आर्किया को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है. मीन्स दे आर दी नॉन बैक्टीरियल पैथोजेनिक पार्टिकल्स. अब मैंने कहा कि वायरसेस क्या है, ए सेलुलर है, नाइदर दे आर लिविंग नाइदर दे आर नॉन लिविंग. मीन्स जो वायरसेस हैं वो लिविंग के करेक्टर भी पोजेस करेगा और नॉन लिविंग के करेक्टर भी पोजेस करेगा. लिविंग कैसे कहेंगे, जब ये होस्ट के अंदर जाएगा, वेन इट एंटर्स इन टू दी होस्ट, तब हम इसको क्या कहेंगे, इट इज लिविंग. तभी अपने आप को रेप्लीकेट करेगा, बहुत सारे अपनी कॉपीज बनाएगा और इन्फेक्शन काउज करेगा. जब ये आउटसाइड दी होस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज इनर्ट और विरियन. क्या नाम रहेगा, विरियन. अब वट आर दी करेक्टर्स दैट इज पोजेस बाय द वायरस व्हेन इट इज लिविंग एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी होस्ट. सो इट पोजेस दी करेक्टर्स, दे हैव दी डीएनए एंड आरएनए. इसके पास क्या होगा, अपना डीएनए या आरएनए होगा. मीन्स इसके पास अपना क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा. इसके पास अपने क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे. तो फर्स्ट सेकेंड इज दी प्रोटीन्स. अब क्या है, वायरसेस जो है, अब हमने कोरोना में देखा था कि एक स्ट्रेन आया फिर दूसरा स्ट्रेन आया, जितनी जल्दी कितना जल्दी जो है हमारा वायरस क्या कर रहा था, म्यूटेट कर रहा था. तो जो वायरसेस हैं दे ऑल्सो म्यूटेट. म्यूटेशन भी किसमें होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी. अब नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स, जब ये आउटसाइड द होस्ट है सो इट कैन नॉट रेप्लीकेट, इट कैन नॉट रेप्लीकेट. एज वेल एज वायरसेस डू नॉट हैव इन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स. नॉन लिविंग के पास भी कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते. डू नॉट हैव respiratory organs. When it is
प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट, कि अगर आउटसाइड होस्ट के बाहर है तो इट कैन क्रिस्टलाइज्ड, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, एंड द क्रिस्टलाइज्ड पोर्शन ऑफ द वायरस इज दैट इज द प्रोटीन. सो जो हमारा वायरस है दैट पोजेस द कैरेक्टर ऑफ द बोथ लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग. नाउ आगे हम पढ़ेंगे कि दैट इज द कि वायरस एग्जिस्ट इन एक्टिव फॉर्म ओनली इन द लिविंग सेल. कि वायरस तभी एक्टिव है, तभी वो इन्फेक्शन काउज करेगा जब वो इनसाइड द होस्ट है. अगर वो आउटसाइड द होस्ट है सो वो क्या होगा, इनर्ट होगा, और उस इनर्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे, विरियन और द वायरस पार्टिकल्स. एज वेल एज कि जो वायरस है वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, उसके पास बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और वो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. कौन कौन से होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा आइदर उसके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा. कभी भी सेम टाइम पे डीएनए और आरएनए नहीं हो सकता. जो हमारा डीएनए और आरएनए है दैट इज सराउंडेड बाय द कोट, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट से क्या होगा, कवर्ड होगा, दैट प्रोटेक्ट्स द जीन्स. जो प्रोटीन्स जीन्स प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर उनको क्या करेगा, वो कोट करेगा. और एज वेल एज कुछ जो हमारे वायरसेस होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक इनवेल्व प्रेजेंट होता है. इनवेल्व किससे बनता है, दैट इज द लिपिड से, हमारा बायोलिपिड लेयर से हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, हमारा इनवेल्व बनेगा. और इनवेल्व कहां कौन बनाएगा, दैट इज द होस्ट के सेल, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन बडिंग के थ्रू क्या बनाएगी, एक इनवेल्व बनाएगी. किसका, वायरस का इनवेल्व बनाएगी. एंड इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड बाय लेयर. एंड ये जो इनवेल्व है ओनली इन सम वायरसेस में ही प्रेजेंट होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस, कि वायरस की डिस्कवरी किसने की. सो जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं दैट इज द लुईस पाश्चर. लुईस पाश्चर ने जो हमारी टर्म थी वायरस, ही गेव द टर्म दैट इज द वायरस. तो लुईस पाश्चर ने टर्म दी, क्या टर्म दी, दैट इज द अबाउट वायरस. जो हमारे डिमित्री इवानोव्स्की हैं, डिमित्री इवानोव्स्की क्या कहते हैं कि 1892 में ही सेड दैट कि प्लांट में एक नॉन बैक्टीरियल पैथोजन है, वो इन्फेक्शन काउज कर रहा है, और उसने उसको क्या नाम दिया, दैट इज द टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट इज द नॉन बैक्टीरियल पैथोजन, और वो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस. ही ऑल्सो सेड दैट देर इज अ, और यू कैन सी डिस्कवर द फिल्टरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस. डिस्कवर द फिल्टरेबल प्रॉपर्टी ऑफ वायरस. नाउ आफ्टर सम टाइम इन द ईयर ऑफ 1898 मार्टियस वेजनिक कहते हैं कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियल, जो हमारा नॉन बैक्टीरियल पैथोजन है, नॉन बैक्टीरियल पैथोजन है, ये डिजीज कॉज कर रहा है किसमें, ओनली दो सेल्स, और यू कैन से जो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो उन्हीं सेल में वो क्या कर रहा था, इन्फेक्शन कर रहा था, जो सेल्स क्या कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे. अब लास्ट है, और उन्होंने टर्म दी हमारी, दैट इज दी कंटेजियम विबियम फ्लूडियम. कौन से टर्म दी, कंटेजियम विबियम फ्लूडियम. क्या मतलब है कंटेजियम विबियम फ्लूडियम का, दैट इज दी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड. नाउ द लास्ट साइंटिस्ट दैट इज द वेंडल स्टेनले. वेंडल स्टेनले सेड दैट
वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड द क्रिस्टलाइज्ड पार्ट इज द प्रोटीन. कि वायरसेस को क्या किया जा सकता है, क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, और जो क्रिस्टलाइज्ड पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, हमारा प्रोटीन होगा. कौन सा होगा, प्रोटीन होगा. इफ अब हमारे पास है कि सैलिएंट फीचर्स क्या है वायरसेस के. जो हमारा वायरसेस है, आई टोल्ड यू दिस इज अ स्मॉल पैरासाइट बिकॉज इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. इट रिक्वायर होस्ट फॉर इन्फेक्शन एज अ कंपल्सिव. एज वेल एज अबाउट 500 वायरसेस हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ. और औरों की भी अभी डिस्कवरी चल रही है. सो वी कैन से दे आर द कॉस्मोपॉलिटन. दे आर फाउंड एवरीवेयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस, जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो सिंपल हेलिकल भी हो सकता है, इकोसा हेड्रल भी हो सकता है. इकोसा मीन्स 20 फेसेस होंगे इसके पास. एंड मोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट वी ओनली ऑब्जर्व लाइक दिस, जिसमें हेड टेल रहेगा हमारे पास. अब जो वायरस का साइज है, वायरस का साइज इज वेरी स्मॉल. यू कैन से 100 साइज ऑफ द बैक्टीरिया, 100 साइज ऑफ द बैक्टीरिया. आइदर जो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और वो कोड करेंगे कितने प्रोटीन्स को, 4 प्रोटीन को क्या करेंगे, वो कोड करेंगे. पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं जो 100 टू 200 प्रोटीन्स को क्या करेंगे, कोड करेंगे. आई टोल्ड यू जो न्यूक्लिक एसिड्स होंगे दैट कुड बी सिंगल स्टैंडर्ड और दैट कुड बी अ डबल स्टैंडर्ड. और जो इन्फेक्शियस वायरस है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वीरियन. नाउ जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स है दैट इज इनक्लोज विद द प्रोटीन कोड. कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इधर से डीएनए और द आरएनए, और दैट इज कोडेड इनकोडेड बाय द कैप्सिड. और कैप्सिड किससे बना है, दैट इज द प्रोटीन से बना है. किससे बना है, ये प्रोटीन से बना है. ये हमारा हो गया जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए. इतने से स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, कैप्सोमियर. अगर कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड को एक साथ हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड, और यू कैन से न्यूक्लियो प्रोटीन. कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन. नाउ वायरसेस कैन इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया. जब वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तब हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज द बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज और इन सिंपल और फेज. दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द एनिमल्स, दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द प्लांट. एज आई गिव द एग्जाम्पल, टबैको मोज़ेक वायरसेस, दैट इज द रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स, रेट्रोवायरसेस. और द सम एग्जाम्पल मिलेसिस, सम आर द सम एग्जाम्पल्स. नाउ हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं जो दोनों को इन्फेक्ट करेंगे, एज वेल एज द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स. सो वी हैव द एग्जाम्पल, दैट इज द पोटैटो येल्लो ड्वार्फ वायरसेस. और हमारे पास कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जो ओनली स्ट्रिक्ट होंगे टू द एनिमल्स. वी हैव द एग्जाम्पल, दैट इज द वेसिकुलोस्टोमाइटिस, दैट इज द वायरस. सो दिस इज द फिगर ऑफ द वेसिकुलोस्टोमाइटिस, वायरसेस की फिगर है ये. नो, जो वायरस है वो काफी तरीके से फैल सकता है. फर्स्ट कि अगर प्लांट की बात की जाए, अगर हम प्लांट की बात करेंगे, जो प्लांट में वायरस कैसे ट्रांसमिट होगा, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय द इंसेक्ट. कि एक कोई इंसेक्ट है जिसने एक प्लांट पे क्या किया, फीड किया, सच एज अफाइड्स. नाउ व्हेन इट विल फीड ऑन द अनदर प्लांट, तो ये इसको भी क्या कर देगी, इन्फेक्शियस कर देगी. अब एनिमल्स में कैसे वायरस इन्फेक्ट करेगा, कैसे ट्रांसमिट करेगा इट. सो एनिमल वायरस इज कैरिड बाय द सकिंग इंसेक्ट. जो इंसेक्ट्स होंगे दैट विल एक्ट एज अ वेक्टर. वेक्टर क्या है, एक व्हीकल, कि एक से गया, एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से. वी हैव सम कॉमन एग्जांपल, दैट इज द इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे फैलता है, दैट इज द कफ स्नीजिंग से. As well as norovirus, rotavirus, कैसे ये क्या cause करेंगे, gastroenteritis disease cause करेंगे. और वो कैसे फैलते हैं, that is through the fecal oral route से. हमारे जो fecal oral है उस route से हमारे फैलेंगे, means person to person contact से, as well as the contaminated, that is by food and water से.
जो हमारा लास्ट है दैट इज दी HIV. HIV स्प्रेड थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. वी ऑल हर्ड दिस एग्जाम्पल एक्सेप्ट दिस नोरो वायरस एंड दी रोटा वायरस. इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन है, HIV हमने सुना है कि कैसे फैलता है. अब क्या है कि जो वायरसेस की ग्रोथ स्टेज है वो दो स्टेज है, दैट इज दी लाइटिक साइकिल एंड दी लाइसोजेनिक साइकिल. की ग्रोथ DNA वायरस जो ग्रो करेगा वो दो साइकिल से ग्रो करेगा. अब वो कैसे ग्रो करेगा और कैसे इन्फेक्शन करेगा, जो हमारा वायरस है दैट विल एंटर इनटू अ होस्ट सेल थ्रू अ एड्सॉर्प्शन एंड दी पेनिट्रेशन एंड इट विल एंटर इनटू दी होस्ट मशीनरी दैट इज दी न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा. अब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा, अंदर जाके इट विल यूज दी एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स ऑफ होस्ट टू फॉर्म वायरल एमआरएनए से क्या बनेंगे हमारे पास, प्रोटीन बनेंगे थ्रू ट्रांसलेशन. होस्ट के अंदर गया, होस्ट के अंदर क्या किया इसने, एंजाइम को यूज किया होस्ट के, एज वेल एज दी राइबोसोम्स को यूज किया, ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसलेशन किया और बहुत सारी इसने कॉपीज बनाई और देन इट विल कॉज दी इन्फेक्शन फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारा वायरस आया थ्रू दी वेसिकल्स और एंटर्स इनटू दी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इसने सारा मटेरियल दैट इज राइबोसोम्स एज वेल एज दी एंजाइम यूज किए और उसके बाद इसने क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया दैट इज दी वायरल एमआरएनए. वायरल एमआरएनए बनाने के बाद इसने क्या बनाया, प्रोटीन्स बना दिए. नाउ थ्रू अ बडिंग इट विल इन्फेक्ट टू अ अदर सेल्स. नाउ आई टोल्ड यू कि जो ग्रोथ फेज है वायरसेस का दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज दी लाइटिक साइकिल एंड वन इज दी लाइसोजेनिक साइकिल. नाउ बट बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइटिक और लाइसोजेनिक में क्या डिफरेंस है. जो हमारा लाइटिक साइकिल होगा उसमें क्या होगा, जो होस्ट सेल के राइबोसोम्स होंगे, मींस ये हमारा होस्ट सेल है, इसके जो राइबोसोम्स होंगे और एंजाइम्स होंगे वो कौन यूज करेगा, वायरस यूज करेगा. और क्यों यूज करेगा, टू फॉर्म दी वायरल प्रोटीन्स और टू एक्सप्रेस दी वायरल प्रोटीन्स. देन वो रेप्लीकेट करेंगे, देन रेप्लीकेट दी वायरल जीनोम और जो वायरस का जीनोम होगा वो भी साथ साथ में क्या करेगा, रेप्लीकेट करेगा और इनक्लोज्ड कर लेगा इनटू अ वायरल प्रोटीन्स. अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोजेनी वीरियंस प्रोड्यूस विद इन अ सिंगल इन्फेक्टेड सेल इवेंचुअली आर रिलीज. जब ये बहुत सारी कॉपीज बना लेगा इट विल इवेंचुअली रिलीज आउट ऑफ द सेल, मीन्स सेल क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा इन द लाइटिक साइकिल में. सो इसमें भी डायग्राम दिया है, वन इज द फर्स्ट क्या है हमारे पास, अटैचमेंट है. अटैचमेंट करने के बाद एंट्री ऑफ फेज DNA एंड दी डिग्रेडेशन ऑफ दी होस्ट DNA को डिग्रेड किया, देन सिंथेसिस ऑफ दी वायरल जीनोम एंड दी प्रोटीन. इसने अपना वायरल जीनोम और प्रोटीन्स बनाए किससे हेल्प से, बाई यूजिंग दी राइबोसोम्स एंड दी एंजाइम्स ऑफ दी होस्ट. देन अपने आप को असेंबल किया, असेंबल करने के बाद इट विल बर्स्ट मीन रिलीज कर जाएगा फ्रॉम दी होस्ट सेल एंड कॉज द इन्फेक्शन टू दी अदर सेल्स. नाउ द सेकेंड है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल. अब लाइसोजेनिक में क्या होगा, जो हमारा वायरल जीनोम होगा, वायरल जीनोम क्या करेगा, क्लब कर जाएगा और इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट सेल के क्रोमोसोम. पहले तो वो न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस तक क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा था. अब यहाँ पे क्या करेगा, होस्ट के क्रोमोसोम के साथ, होस्ट के क्रोमो जोन्स के साथ क्या कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा. आफ्टर द इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, जो आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा होस्ट सेल को और साथ साथ में क्या करता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा, फॉर्मिंग अ प्रोफास्ट. व्हेन होस्ट के क्रोमोसोम के साथ जो है हमारा वायरल जिनो इंटीग्रेट कर गया उसको क्या बोलेंगे, प्रोफास. जब होस्ट सेल का DNA रेप्लिकेट करेगा,
तब हमारा प्रोफेज भी साथ साथ में क्या करेगा, रेप्लीकेट करेगा। आई रोट हियर प्रोफाज दैट इज रेप्लीकेटेड अलॉन्ग विद द होस्ट जीनोम कॉजिंग नो इमीडिएट हार्म, कोई भी इमीडिएट हार्म इफेक्ट नहीं दिखाएगा। वेन सूटेबली एक्टिव, जब लगेगा कंडीशन फेवरेबल है, देन दिस प्रोफाज विल एंटर इन टू द लाइटिक साइकिल। मीन्स दिस लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल आर इंटर कनेक्टेड, कि पहले लाइसोजेनिक साइकिल हो सकता है, देन लाइटिक साइकिल आ सकता है। नाउ वायरस टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायरस टैक्सोनॉमी क्या है? वायरस टैक्सोनॉमी मीन्स वी विल गिव द नेमिंग एंड प्लेसिंग टू अ वायरस इन टू अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और यू कैन से कि करंटली जो हमारे पास है 500 टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या है अभी डिस्कवर हुए हैं, और 3000 अभी क्या है इन स्टिल डिस्कवर, एटलीस्ट अबाउट टू 3000 मोर अबाउट टू बी बिलीव टू एग्जिस्ट, कि 3000 अभी भी हैं जो डिस्कवर होने हैं और एग्जिस्ट करते हैं। नाउ जो वायरस टैक्सोनॉमी थी वो उसको हमने That has progressed into two stages. कि जो वायरस की टेक्सोनॉमी उनको दो में क्लासीफाई किया गया, वन इज दी क्लासिकल अप्रोच एंड वन इज दी मॉडर्न अप्रोच। जो हमारी क्लासिकल अप्रोच थी, क्लासिकल अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन दी लीनियन प्रिंसिपल, यू कैन से अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो, और जो मॉडर्न अप्रोच थी दैट वॉज बेस्ड ऑन दी बाल्टीमोर सिस्टम इन दी 1971। अब हम देखेंगे कि जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है दैट वॉज बेस्ड ऑन दी लीनियन प्रिंसिपल्स, तो इसमें हमारे जो तीन साइंटिस्ट थे इन 1962 एंड्रयू लियोफ डॉर रॉबर्ट हॉर्नी एंड पॉल टॉर्नियर, जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो क्लासिफाई किया वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड हाउ दे क्लासिफाइड दिस सिस्टम दैट इज द क्लासिकल सिस्टम डिवाइडेड द वायरसेस इनटू फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड प्रॉपर्टीज, कि कैसे वो कैसे एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी शेयर करती है, एंड कौन से उसके पास न्यूक्लिक एसिड है, आइदर डीएनए है या आरएनए है। एज वेल एज इन दी क्लासिकल अप्रोच में जो हमारे और भी क्लासिफिकेशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट इज दी होम्स क्लासिफिकेशन दैट वॉज गिवन इन दी 1948। जो होम्स क्लासिफिकेशन थी दैट वॉज बेस्ड ऑन दी वायरल होस्ट, कि जो वायरसेस हैं उसका होस्ट कौन सा है, इट कुड बी पर्टिकुलर होस्ट, एनिमल है, प्लांट है या बैक्टीरिया है। एज वेल एज दी केजियन एंड दी जिंग्स क्लासिफिकेशन दैट वॉज गिवन इन दी 1975। सो दे क्लासिफाई दी वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ की टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है या आरएनए है, एज वेल एज दी प्रेजेंस ऑफ दी इनवेल्व, इनवेल्व प्रेजेंट है या नहीं है। थर्ड है कि कौन से टाइप की सिमेट्री है और साइट ऑफ असेंबली है, उसके बेसिस पे जो हमारी क्लासिकल सिस्टम अप्रोच थी उसको क्लासिफाई किया। नाउ द मॉडर्न क्लासिफिकेशन दैट वॉज बेस्ड ऑन द बाल्टीमोर सिस्टम, एंड ही इन दिस क्लासिफिकेशन डिवाइड्स द वायरसेस इनटू सेवन ग्रुप्स, कि जो बाल्टीमोर सिस्टम था उसमें वायरसेस को सेवन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड्स, कि आइदर डीएनए है या आरएनए है, स्टैंडर्डनेस दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, एज वेल एज द सेंस है या एंटी सेंस है। सेंस स्टैंड क्या है, कि मीन्स सेंस स्टैंड दो स्टैंड दैट विल फॉर्म द प्रोटीन्स दैट कोड एनी इंफॉर्मेशन, नॉन सेंस दैट डोंट कोड एनी इंफॉर्मेशन, एंड मेथड ऑफ रेप्लीकेशन, कि वो कैसे रेप्लीकेट कर रहे हैं। सो लेट्स ऑब्जर्व इन डिटेल अबाउट द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एग्जाम्पल दैट इज द स्मॉल पॉक्स, एंड हेयर वी हैव द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड इट इज मॉडिफाइड इन टू द एमआरएनए, कि कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोसेसिंग होगी, कैसे वो प्रोटीन्स बनाएंगे। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास पॉजिटिव, दैट इज द पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एग्जाम्पल है हमारे पास प्रेवो वायरसेस, सो इट इज अ सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनेगा हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बन जाएगा हमारा, एमआरएनए बनेगा। ग्रुप थ्री में हमारे पास क्या आया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एग्जांपल इज दी रोटा वायरसेस। फोर्थ हमारे पास है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इज दी कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरसेस तो सबने सुना होगा, बच्चे बच्चा जानता है कोरोना वायरसेस को, सो इट इज अ सेंस पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड
नेगेटिव सेंस दैट इज द एंटी सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज द मिलीजिस, हमने सुना है मिलीजिस भी काफी कॉमन डिजीज है, एंड पॉजिटिव दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमारा एग्जांपल है दैट इज द एचआईवी, जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बन जाएगा हमारा, थ्रू अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वी ऑलरेडी नो दैट इन सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स बनते हैं। बट जब आरएनए से डीएनए बने तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनेगा हमारे पास, एमआरएनए बनेगा। सेवंथ ग्रुप है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एग्जांपल इज दी हेपेटाइटिस बी। वी हैव टू लर्न ओनली दी वन एग्जांपल इज सफिशियंट, इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर यू कैन। सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। नाउ डबल स्टैंडर्ड आरएनए से फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे दोबारा, एंड इट विल फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए। एमआरएनए से फिर हमारे क्या बन जाएंगे, ट्रांसलेशन दैट इज द प्रोटीन बनाएंगे। नाउ जो हमारी वायरसेस की क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक कमेटी है, दैट इज द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, दैट इज मेड इन 1966। अब उन्होंने वायरसेस को एक हायरार्की में रखा, एक कन्वीनियंट टैक्सोनॉमी कैटेगरी में रखा, और फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स क्या है उनके, ऑर्डर्स, फैमिली, सब फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑर्डर कैसे है, वायरल्स दैट इज द हाईएस्ट करंटली रिकॉग्नाइज्ड, एंड फैमिली क्या है, विरिडे, एंड सब फैमिली है विरिने, एंड जीनस क्या है हमारे पास, वायरस। स्पीशीज फॉर एग्जांपल टीएमबी हो गया हमारे पास, रेट्रोवायरस हो गया। अब बाय द ईयर 2000 ओवर 4000 वायरसेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द 71 फैमिलीज। अभी तक जो है वो 2000 तक 71 फैमिलीज में प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया वायरसेस को कैटेगराइज किया गया, एंड उसके बाद 9 सब फैमिली बनाई गई, एज वेल एज दी 164 जनेरा क्या किए गए, बनाए गए। और हर 3 साल बाद क्या है, जो साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनकी मीटिंग होती है कि नया वायरस कौन सा डिस्कवर हुआ है और मॉडिफिकेशन के लिए। सो आई रोट हियर द आईसीटीवी सिक्स द इनपुट फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ द वायरोलॉजिस्ट एंड मीट्स एवरी 3 ईयर टू रिवाइज द टैक्सोनॉमी। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। सो वायरस का स्ट्रक्चर फर्स्टली है कि कैप्सिड। कैप्सिड किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, दैट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द विरियन। और कैप्सिड का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। इफ वायरस वांट्स टू अटैच टू द होस्ट सो इट विल आल्सो हेल्प। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड मींस न्यूक्लियस, दैट इज द मींस जेनेटिक मटेरियल, आइदर इज डीएनए और आरएनए एंड द कैप्सिड, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियो कैप्सिड। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन इनवेल्प। जो मेम्ब्रेन इनवेल्प है इन सम वायरसेस, आई टोल्ड यू इन द लास्ट कि जो मेम्ब्रेन इनवेल्प है दैट कुड बी प्रेजेंट इन ओनली सम वायरसेस, वो कुछ ही वायरसेस में प्रेजेंट होगा, दैट्स अराउंड द न्यूक्लियो कैप्सिड। कि इसके ऊपर भी क्या होगी, एक न्यूक्लियो मेम्ब्रेन होगी। एंड प्रोटीन स्पाइक्स, जो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होंगे, स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे, और दी स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, सो दिस आर द ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ग्लाइकोसाइलेटेड मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, एज वी रेड वी हर्ड दिस थिंग ग्लाइकोसाइलेशन, तो दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। एंड इसको हम क्या कहेंगे, पेप्लोमियर कहेंगे, कि जो स्पाइक्स हैं, सिंगल सिंगल को हम स्पाइक कहेंगे, बट द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म दैट इज द
पेप्लोमेयर, अनदर नेम क्या है इनका, पेप्लोमेयर। एज आई टोल्ड यू, डीएनए और आरएनए प्लस कैप्सिड प्रोटीन क्या बनाएंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड, दैट इज द नेक्ड कैप्सिड वायरस होगा, कि नेक्ड कैप्सिड वायरस जिसके अंदर बस ओनली क्या प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए प्लस हमारा प्रोटीन्स कोड, प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, दैट इज द न्यूक्लियो कैप्सिड, तब क्या होगा, नेक्ड होगा वो। अगर न्यूक्लियो कैप्सिड के साथ लिपिड मेम्ब्रेन मींस इनवेल्प और स्पाइक्स साथ जुड़ जाए तो वो क्या बना देंगे, इनवेल्प वायरसेस बना देंगे। आगे मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ। यस, सो इकोसा हेडल में आप दे सकते हो, दैट इज द नेक्ड। अब अगर इसके ऊपर आप इनवेल्प चढ़ा दोगे, साथ में प्रोटीन चढ़ा दोगे, तो ये कैसा बन जाएगा, इनवेल्प बन जाएगा, सेम एज इन दी हेलिकल स्ट्रक्चर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे वायरसेस स्ट्रक्चर हैं वो तीन तरह से हैं, तीन तरह के हैं, वन इज दी हेलिकल स्ट्रक्चर, वन इज दी इकोसा हेड्रल एंड वन इज दी कॉम्प्लेक्स। सो पहले हम पढ़ेंगे, दैट इज योर फर्स्ट, हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज दी हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, हेलिकल वायरसेस। अब हेलिकल वायरसेस में क्या है, दैट इज दी सेल्फ असेंबली ऑफ वायरसेस, वायरस कैप्सिड फॉलोज दी टू बेसिक पैटर्न इनटू अ हेलिकल सिमेट्री इन विच अ प्रोटीन सब यूनिट्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स आर अरेंज्ड इनटू अ हेलिक्स, कि जो हमारा कैप्सिड्स होंगे वो अपने आप को एक सॉलिड स्ट्रैंड में अरेंज कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे कैप्सिड अपने आप को एक सॉलिड स्ट्रैंड में अरेंज कर लेंगे, और उस कैप्सिड को हम क्या कहेंगे पूरे को, दैट इज द कैप्सोमेयर। Now on the capsomere, that is the genetic material of the virus that will also fold itself along with this, like this. And very common example, that is the tobacco mosaic virus. Second, हमारे पास क्या है, icosahedral. Icosahedral का क्या मतलब है, 20 phases. It will have the 20 phases in which protein subunits assemble into a symmetric shell that covers a nucleic acid containing a core. इसके पास होंगे 20 phases होंगे और 12 corner present होंगे, और आप देख सकते हैं icosahedral में different different shapes होंगी, you can rotate at if you rotate 180 degree. So when you will rotate this icosahedral, you will observe the same face as you observed before. So इसकी जो symmetry है 2, 3, 5 क्या है इसकी symmetry है। Last हमारे पास क्या है, complex viruses. So complex viruses that includes the bacteriophages, जो viruses that only infects the bacteria, we call them as the complex viruses. So, इसके पास क्या होगा, कैप्सिड होगा, मीन्स हेड प्रेजेंट होगा, पॉलीहेड्रल, दैट वो कैसा होगा, पॉलीहेड्रल, और यू कैन से इकोसाहेड्रल, इकोसाहेड्रल हेड होगा, टेल शीथ होगी, जैसे वो कैसी होगी, हेलिकल होगी, और टेल फाइबर्स होंगे एंड प्लेट एंड पिन होगी। सो हियर दिस इज द हेलिकल शीथ एज वेल एज द टेल फाइबर्स, एंड ये क्या है, पिन है, दैट विल अटैच टू अ होस्ट। अब वायरस जेनेटिक मटेरियल, इट कुड बी आरएनए, इट कुड बी डीएनए, जब आरएनए वायरस एक्ट करेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, सो मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैव द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द वायरसेस, बिकॉज दीज वायरसेस शो मच हायर म्यूटेशन, कि ये बहुत जल्दी म्यूटेशन शो करते हैं एज कंपेयर टू दी डीएनए, एंड दे कुड बी सिंगल स्टैंडर्ड एंड दे कुड बी डबल स्टैंडर्ड। और जो हमारा रेट्रोवायरस जीनोम कंप्राइजेस टू आइडेंटिकल प्लस स्ट्रैंड्स सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, की टू आइडेंटिकल प्लस स्ट्रैंड्स होंगे, दैट कैसे होंगे, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, और जो उनका ईच मोनोमर का साइज कितना होगा हमारे पास, 10 to 11 kV in size hoga, and that are
नॉन कोवलेंटली लिंक्ड ओवर अ शॉर्ट टर्मिनल रीजन. अब जो हमारे आरएनए वायरसेस हैं, इट कुड बी पॉजिटिव आरएनए, पॉजिटिव स्ट्रैंड्स, नेगेटिव दैट इज द एंटीसेंस आरएनए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरएनए, एंड द पॉजिटिव आरएनए बाय डीएनए दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला सीन है यहाँ पे. अब जब डीएनए एक्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल में, तो मोस्ट डीएनए वायरस कंटेन अ सिंगल जीनोम ऑफ अ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जो मोस्ट ऑफ द डीएनए होंगे, वायरसेस होंगे, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो डीएनए होगा, वो कैसा होगा? लीनियर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा इन वायरसेस में. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? पिपोवा वायरस हैव सर्कुलर डीएनए जीनोम्स. जो हमारा पिपोवा वायरस है उसमें हमारा कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा अबाउट 5.1 एंड 7.8 केवी पेयर इन साइज में. उनका साइज बताया है हमारे पास 5.1 एंड 7.8 केवी. और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्व एज अ टेम्पलेट बोथ फॉर एमआरएनए एंड द सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन दैट वी ऑलरेडी नो दिस थिंग. अब और एग्जांपल क्या आते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए. जब सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए का साइज क्या होगा? 4.6 केवी इन साइज. और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? दैट इज द मेंबर ऑफ द पार्वो वायरस फैमिली में. और जो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका साइज कितना होगा? 1.7 टू 2.3 केवी. और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? सिरको वायरस फैमिली में. और विच कंप्राइजेस द स्मॉलेस्ट ऑटोनॉमसली प्रोपेगेटेड वायरस, जो स्मॉलेस्ट हैं और खुद ही रेप्लिकेट करते हैं. प्रोपेगेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन. वायरसेस. सो दैट्स ऑल अबाउट द वायरसेस. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू.